देश के गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, लेकिन आखिरकार क्या होगी आगे की रणनीति और राजनीति, इस पर बात करने के लिए खुद गृह मंत्री बांकुड़ा के इस चतुर्दी गांव से हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज तक पर। क्या कहेंगे, ये अब चुनावी बिगुल है क्योंकि अब चुनावी मिजाज में अमित शाह बंगाल में उतर रहे हैं? ऐसा नहीं, आज मेरा भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठकों का ही दौरा था, मगर जिस प्रकार का वातावरण मैंने यहाँ हेलीपैड से हॉल तक, हॉल से परिवार के घर तक रोड पर देखा है, मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टियों से बंगाल की जनता को चुनाव की जल्दी है और परिवर्तन करने की जल्दी है। जिस तरह की भीड़ मैं देख रहा हूँ रोड पर, जहाँ जाते हैं वहाँ पर, वो एक प्रकार का गुस्सा दिखाती है अभी के शासन के खिलाफ। एक और तो ममता जी के शासन के प्रति आक्रोश है, गुस्सा है, और दूसरी आंख में मोदी जी स्थिति को सुधार सकते हैं इसकी भरोसा और आशा भी दिखाई पड़ती है। बंगाल में हम जिस तरह से देख रहे हैं, अभी चुनाव 6 महीने 7 महीने दूर हैं, बिहार में चुनाव चल रहे हैं, लेकिन आप प्रचार के लिए नहीं गए, बंगाल ही क्यों? ऐसा नहीं है, मुझे 5 तारीख के बाद ही दौरा करना था, तो वहाँ चुनाव ऑलमोस्ट आज समाप्त हो रहा है, तो और यहाँ ये दौरा पहले से मेरा लगा हुआ था, तो कैंसिल करने की जगह मैंने कंटिन्यू करा। 7 महीने में ही चुनाव है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक हिंसा बढ़ रही है, गृह मंत्री बतौर और एक नेता क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं? देखिए, मैं बतौर गृह मंत्री तो कुछ कहना नहीं चाहता, वो तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया होती है, संवैधानिक प्रक्रिया होती है, परंतु मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाते जरूर कहना चाहता हूँ, जब से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपना पैर पसार रही हैं, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बहुत अच्छे आचार किए हैं, बहुत अन्याय किया है, 100 से ज़्यादा कार्यकर्ता हमारे मारे गए हैं, और ये 100 में से 75 से ज़्यादा FIR में एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है, तो इससे ज़्यादा बड़ी विफलता शासन की हो नहीं सकती। कल ही मैं एयरपोर्ट से बाहर आते ही एक परिवार से मिला, हत्या होने के बाद पोस्टमार्टम नहीं करते, पोस्टमार्टम करने के लिए हाईकोर्ट में जाना पड़ता है, हाईकोर्ट का ऑर्डर होने के बाद भी पोस्टमार्टम नहीं करते, कंटेम कर लेकर हाईकोर्ट में जाना पड़ता है, अब 5 नवंबर को पोस्टमार्टम तय हुआ है, तो मैंने तो इतना लॉ एंड ऑर्डर का नीचे जाना देश भर में का मेरा दौरा होता कहीं नहीं देखा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि आप बंगाल की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश भूल जाते हैं, अपने खुद के भाजपा के शासित राज्य भूल जाते हैं, वहाँ किस तरह से हत्याएं हो रही हैं, हाथरस कांड हो या बाकी हो, लेकिन बंगाल की छवि धूमिल करने का प्रयास करती है बीजेपी। देखिए, किसी भी भाजपा शासित राज्य की चर्चा करने के लिए मैं तैयार हूँ, उसको सापेक्षता में देखना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में पहले क्या था आज क्या है, तो योगी जी ने स्थिति को बहुत सुधारा है, और ममता जी ये बता दे कि पहले बंगाल में क्या था और वो कहाँ पर लेकर आई, तो केवल और केवल डिटोरिएशन है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात है, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात है, चाहे रोजगार की बात है, चाहे सीमा पर गाय तस्करी की बात है, चाहे घुसपैठ की बात है, हर जगह डिटोरिएशन। आपने सीमा की बात की, BSF इंचार्ज है जो कि आपके अंतराधीन है, तो कैसे राज्य जिम्मेदार है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, इसके लिए हर बार राज्य को जिम्मेदार ठहराना क्या ठीक है? देखिए, जब तक स्थानीय पुलिस का सहयोग नहीं मिलता, तब बंगाल और बांग्लादेश की बॉर्डर, भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर बड़ी भौगोलिक रूप से कठिन बॉर्डर है, बहुत सारे नदियां हैं, नाले हैं, ऊंच नीच पहाड़ की छोटी छोटी छोटे छोटे पहाड़ है, जंगल है, जब तक स्थानीय प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट SP का सहयोग नहीं मिलता, अकेला BSF नहीं कर सकता, क्योंकि BSF का दायरा सीमित है, और एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, षड्यंत्र के तहत जो लोग लिप्त है उस पर कदम उठाने का अधिकार BSF को नहीं है, वो स्टेट यूनिट को ही करना पड़ेगा। BSF की कई बार सूचना देने के बाद भी स्टेट यूनिट ने उन पर कदम नहीं उठाया, उनको संरक्षण प्राप्त है। राज्य सरकार, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बार बार यही आरोप है कि आप सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल करके बंगाल के अधिकारियों को, बंगाल के नेताओं को, खास तौर से TMC को टारगेट करके परेशान करते हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? उदाहरण दे दे तो जवाब दे पाए,
मैं तो कह रहा हूं कि भाई हमारे कार्यकर्ताओं के साथ प्रताड़ना हो रही है, पूरी दुनिया जानती है, पूरा मीडिया जानता है। आप भी अगर फील्ड में घूमती होती तो आपको मालूम पड़ता। बैलेंस करने के लिए आप सवाल पूछो वो तो ठीक है, मुझे जवाब देना पड़ेगा, परंतु आपको भी स्थिति मालूम है कि बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बहुत अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जाने भी जा रही है। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ साहब ने आपसे अभी मुलाकात की थी, 356 की भी बात चल रही है, बतौर गृह मंत्री 356 के लिए आपको क्या लगता है कि बंगाल में ऐसे हालात हैं? नहीं, मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, और बंगाल के राज्यपाल महोदय के साथ मेरी देश के गृह मंत्री के नाते मीटिंग थी, मैं इसको सार्वजनिक फोरम में चर्चा करना नहीं चाहूंगा। जब आप बंगाल की बात करते हैं तो जहां एक ओर टीएमसी से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, बंगाल का चेहरा, भाजपा का चेहरा कौन होगा? दिल्ली की तरह बंगाल भी यही सवाल कर रहा है। जरूरत पड़ेगी तो चेहरा भी आ जाएगा, व्यक्ति भी आ जाएगा, और विजय सुनिश्चित है। 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाने जा रही है, ममता दीदी इसको रोक नहीं सकती। सौरव गांगुली से बातचीत हो रही है? नहीं, अभी तो मेरी किसी से बातचीत नहीं हुई। हम बहुत सारे प्रदेश जीते हैं जहाँ पर चेहरा नहीं था, जैसे यूपी 300 सीट जीते, 3/4 बहुमत आया। बिहार में चुनाव है, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी को नेगेट नहीं कर सकते हैं, तो वही आंकड़े आपके तहत आपके नजरों में क्या है? नहीं, हम बहुत अच्छे बहुमत के साथ बिहार के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं। नीतीश बाबू के नेतृत्व में जंगल राज का पूरा परछाई बिहार पर से गया है, और जब से मोदी जी आए हैं 6 साल से बिहार के अंदर बहुत सारे केंद्र, पहले जो अन्याय करता था यूपीए की सरकार, उसकी जगह मोदी जी की सरकार ने बिहार के विकास को बहुत आर्थिक मदद भी की है और रणनीतिक दृष्टि से भी बहुत मदद की है, जिससे बिहार ऊपर आए, और बिहार की जनता को इसका संज्ञान है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम बहुत अच्छे बहुमत के साथ नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जब आप भीड़ की बात कर रहे हैं तो तेजस्वी यादव की रैली में लाखों की भीड़ आ रही है और 10 लाख की नौकरी भी उन्होंने वायदे कर दिए हैं उसके, कैसे देख रहे हैं इसको? क्योंकि भीड़, बढ़ती भीड़ क्या चिंता का विषय है आपके लिए? जरा भी चिंता का विषय नहीं है। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देना, रोजगार देने की बात करती तो मैं समझ पाता था, सरकारी नौकरी देना, मुझे लगता है कि बिहार के बजट का आकार शायद उनको मालूम नहीं है। बिहार के बजट का आकार वो स्टडी कर लेते तो उनको मालूम पड़ता ये संभव ही नहीं है। मगर आज भी बिहार की जनता ना जंगल राज भूली है जो लालू जी के समय में थे, ना फिरौती करने वाले गैंग भूली है, ना नरसंहार भूली है जिसमें 28-28, 30-30 लोगों को जाति के आधार पर हत्याएं कर दी जाती थी। ये सारी चीज़ें बिहार की जनता को जस की तस याद है, और मुझे पूरा भरोसा है, मेरे पास जमीनी फीडबैक भी है, मेरे कार्यकर्ताओं से बात होती है, जदयू के नेताओं से बात होती है, हम पूर्ण बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। बंगाल में पक्षपात का आरोप आप पर लग रहा है कि आप अम्फन का पैसा बोलते हैं भेजते नहीं है, केंद्र सरकार की स्कीम लागू की जाए तो पैसा दिया जाएगा, जीएसटी का पैसा ममता बनर्जी को नहीं भेजते हैं। कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में अम्फन का पूरा हिसाब किताब देने वाला हूँ कि किस हेड के नीचे कितना पैसा हमने भेजा है। मेरा ममता जी से चैलेंज है, बाद में वो हिसाब दे दे कि इसमें से कितना तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास गया, कितना जमीन में उतरा है। वो कह रही हैं कि आप यहाँ रैलियां कर रहे हैं और कोविड फैला रहे हैं, क्योंकि कोविड के पैंडेमिक कानून को ताक पे रख के भाजपा जानबूझकर। मनोज, आपको मालूम पड़ना चाहिए इतनी सीनियर पत्रकार को, मेरी एक भी रैली नहीं है भाजपा के लिए भी नहीं है। मेरा हॉल का कार्यक्रम है जिसमें 242 कार्यकर्ता अपेक्षित थे, 2 सीट छोड़कर 1 कार्यकर्ता बैठा है, पूरे कोविड के नियमों का पालन किया गया है। रोड पर जो भीड़ स्वतः आ जाती है, स्वयंभू आती है, इसको मैं नहीं रोक सकता, ममता दी भी नहीं रोक सकती, और मेरा इनको इतना ही कहना है कि 1 महीने में आपने की हुई रैलियों का फोटोग्राफ और वीडियोग्राफी जरा सार्वजनिक कर दो, और पहले सबसे पहले वो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बंगाल के प्रशासन को उनको देना चाहिए। और मेरे हॉल मीटिंग जो हुई है, हॉल में मैंने एक भी सार्वजनिक भाषण नहीं किया है, हॉल में किया है ना, कल तक मेरा एक भी सार्वजनिक भाषण है, सब हॉल मीटिंग है, उसका फोटोग्राफी वीडियोग्राफी मैं उनको भेजने के लिए तैयार हूँ। मगर उनको मुझसे बहुत स्नेह है, उनको मुझ पर केस करना है तो वो कर सकती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं एक भी
जो कोड ऑफ कंडक्ट है कोविड का, इसका एक भी जगह अनुपालना नहीं किया, ऐसी घटना नहीं। वो तो कह रही है कि राज्यपाल को ही भाजपा ने अपॉइंट किया है रोज रोज हमें परेशान करने के लिए, राज्य तो सरकार में कोई अच्छी बात दिखती ही नहीं, नहीं उनको संविधान ही मालूम नहीं। भाजपा सरकार होगी तो भाजपा सरकार ही तो राज्यपाल अपॉइंट करेंगी, तृणमूल कांग्रेस थोड़ी ना करेगी, हम ही तो करेंगे, कौन करेगा, हमें ही करना है। जिसकी सरकार केंद्र में होती है वो राष्ट्रपति महोदय को अनुशंसा करता है और राष्ट्रपति महोदय इसको अपॉइंट करते हैं। जब आप केंद्र सरकार, ये संविधान, ये कॉन्स्टिट्यूशन का स्कीम है, ये कोई अमित शाह का या भारतीय जनता पार्टी का स्कीम थोड़ी ना है। जब आप केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं तो लव जिहाद के लिए कई राज्य आवाज उठा रहे हैं उस पर कानून लाने के लिए, कैसे देखते हैं बताओ गृह मंत्री? देखिए लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का इश्यू है, राज्य अपनी, राज्य के विधानमंडल अपने कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है और सार्वभौम भी है और वो लोग अपना कानून बना सकते हैं और जो राज्य बनाते हैं उन्होंने संविधान के दायरे में बनाना चाहिए। मैं मानता हूं कि काफी सारे राज्य इसमें आ गए हैं। संविधान के दायरे में रह के कानून का एक कदम 370 धारा हटाना भी था, काफी महीने हो गए हैं, साल हो गए हैं, कैसे देख रहे हैं उसको? क्योंकि अब महबूबा मुफ्ती के साथ साथ फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ तक कह दिया है कि हम तैयार हैं चीन से सहायता लेने के लिए, वापस लाने के लिए, और तब तक चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। इस तरह के बयानों पर मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता, चीन से सहायता लेना इतना सरल नहीं है किसी के लिए, परंतु मैं इतने कहना चाहता हूँ देश भर की जनता और जम्मू कश्मीर की जनता धारा 370 हटने से खुश है, संतुष्ट है, और जो दावे करते थे कि हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतने लोग मारे जाएंगे, कुछ नहीं हुआ जी, आराम से अच्छा चल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, हर विधवा को वहाँ विधवा सहायता मिली है, हर वृद्ध को वृद्ध पेंशन मिला है, हर बच्चों को वजीफा मिलना शुरू हो गया है, गांव तक पानी पहुंचना शुरू हो गया है, हर घर में बिजली पहुंची, ये सारा काम तो यही समय में हुआ है। और पंचायत के चुनाव हो रहे, 70 साल से लोगों को पंचायत के चुनाव कराने का अधिकार ही नहीं था, ये अधिकार उनको नहीं मिला था। देश भर में 73 और 74 अमेंडमेंट आ गया मगर कश्मीर में नहीं लगा था, हमने लगा दिया, सारे पंचायत के चुनाव हो गए, अब जिला पंचायत के भी चुनाव नवंबर 22 तक हो जाएंगे। चीन की सीमा पर भारत के साथ स्थिति है क्या? गृह मंत्री से ये सवाल। बहुत अच्छी है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, भारत की एक इंच भी भूमि पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, ये नरेंद्र मोदी सरकार है और हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है हमारी सीमाओं की सुरक्षा करना। भारत के एक पड़ोसी है पाकिस्तान, जिन्होंने खुद ही कहा कि हाँ हमने ये हमला किया है, जिसकी जिम्मेदारी भी ले ली, क्या कहेंगे आप उस पर और कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या ये कारगर होगा साबित करने के लिए कि किस तरह से आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान में जारी रहती हैं? नहीं, वो तो हमारी एजेंसियां बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी सरकार ने पाकिस्तान को बहुत अच्छे से एक्सपोज किया है, इसीलिए धारा 370 हटाने के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय फोरम में एक इक्का दुक्का छोड़कर किसी भी देश ने उनका समर्थन नहीं किया। जहाँ तक उनके बयान का सवाल है, मैं ऐसी तूतूंबे में पढ़ना नहीं चाहता, हमारा लक्ष्य सीमाओं की सुरक्षा और जम्मू कश्मीर में विकास है। मुझे लगता है आपका इंटरव्यू अब भटकता जा रहा था। एक आखिरी अंतर्राष्ट्रीय सवाल, जो बिडेन बाइडेन के आने से भारत और अमेरिका के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए भारत और अमेरिका के रिश्ते दो देशों के बीच के रिश्ते हैं और जो भी चुनकर आएगा, अमेरिका की जनता जिसको भी चुनकर लाएगी, भारत अमेरिकन सरकार के साथ अच्छे संबंध रखने का प्रयास करेगा और अमेरिका भी मानता है, मैं मानता हूँ कि उन्होंने भी, चाहे डेमोक्रेटों की सरकार हो, पहले श्री ओबामा थे, बाद में श्री ट्रंप आए, चाहे रिपब्लिकन सरकार हो, सबने अच्छे रिश्ते रखे हैं।